अभी हम सकरी NH 57 पर खड़े हैं। ये सकरी का पुरानी बाज़ार है, NH 57 है ये। और यहाँ जो है रात करीब 10:30 बजे एक भयंकर जो है से हादसा हुआ है, भयंकर दुर्घटना हुआ है। ये दो ट्रक आप देख सकते हैं, एक ट्रक वो जिसमें आलू लदा हुआ था और दूसरी गाड़ी ये एक ट्रेलर है, देख सकते हैं इस पर जो है से ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, MH यानी कि महाराष्ट्र नंबर गाड़ी है ये। ये गाड़ी जो है झंझारपुर की ओर से आ रही थी, मतलब पूरब से, और वो गाड़ी जो आप देख रहे हैं ट्रक जिसपे आलू लदा हुआ था वो दरभंगा तरफ से आ रही थी, मतलब दोनों गाड़ी जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। यहाँ पर आने के बाद जो जानकारी हमने लोगों से लिया है, लोग ऐसा बता रहे हैं कि एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में जो है ये दोनों गाड़ी आपस में टकरा गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ी में आग लग जाती है। इस गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से जल चुका है, और आप देख सकते हैं कि वहाँ जो है वहाँ ट्रक जो है वहाँ आलू को उतारा जा रहा है किसी तरह। आप कह सकते हैं उसका अगला हिस्सा जो है उस गाड़ी का, उस ट्रक का बचा हुआ है, लेकिन पीछे से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। यहाँ फायर ब्रिगेड की जो है से गाड़ी रात में पहुंची, आग पर किसी तरह काबू पा लिया गया। दोनों गाड़ी जो थी जो अपोजिट डायरेक्शन में थी, यानी कि एक गाड़ी पूरब से आ रही थी, एक गाड़ी पश्चिम से आ रही थी। ये देख सकते हैं ये रोड जो है ये दरभंगा की तरफ जाती है और ये रोड जो है झंझारपुर की तरफ जाती है। तो ये गाड़ी इसी रोड में थी, अब ये गाड़ी इसी रोड से जो है यानी पश्चिम तरफ से एक बाइक वाला आ रहा था। उस बताया जा रहा है कि उस बाइक वाले को बचाने के चक्कर में ये जो है गाड़ी आपस में टकरा गई, शायद इसने घुमाया होगा गाड़ी को और दोनों गाड़ी आपस में टकरा गई होगी। यहाँ आने के बाद ऐसा ही पता चल रहा है, लोग ऐसा ही जैसा कि बोल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोगों का भी काफ़ी भीड़ भाड़ है। फिलहाल जो है अभी गाड़ी को भी आने जाने में असुविधा यहाँ पर हो रही है। देख सकते हैं इस तरफ का जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है। कोई अभी जानकारी में नहीं है कि मोटरसाइकिल वाला बचा या मर गया है। न्यूज में दीजिए। और एक 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 मिनट सर सुनिए, वो बात ये है कि मोटरसाइकिल वाला रॉन्ग साइड से राइट से लेफ्ट एक बैक किया, इसके कारण इसको बचाने के कारण ट्रेलर वाला बचाने के कारण में ट्रक में ठोक दिया। अच्छा, ये दोनों गाड़ी के जो ड्राइवर है ट्रक के, उन लोगों की क्या स्थिति है? ये स्थिति के बारे में अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीण हम लोगों ने प्रशासन से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये हॉस्पिटलाइज है। अब कहाँ पर है, किस हालात में है, वो हम लोग को जानकारी में नहीं आ रहा है। बाइक वाले का क्या हुआ ये कुछ पता ये भी जानकारी नहीं है। नहीं भैया, ये भी कोई जानकारी कुछ पता चला नहीं, बाइक वाले का भी पता नहीं चला। कौन था बाइक वाला ये पता चल पाया? नहीं नहीं सर, नहीं पता चला। नहीं पता, ये यूपी नंबर गाड़ी है, बाइक जी सर। मतलब जो घटना का जो कारण है वो बाइक के कारण ही घटना हुई। आप इस रिपोर्ट में दीजिए जिस चीज को देना है, ठीक है? प्रेस वाले हैं, ये घनी आबादी की बस्ती है और मैं जहाँ हूँ और ये जो घटना हुआ है वो दोनों लिया है, इससे ओवर ब्रिज से लिया है और इससे ओवर ब्रिज से लिया है, समझे ना? यहाँ ड्राइवर भी संतुलित खो देता है। मतलब इससे पहले भी घटना हुआ है, बहुत हजारों व्यक्ति की जान चुकी जा चुकी है। बस्ती में किसी भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिसका भी हो, लेकिन इसको ओवरब्रिज बनवाई है। आग पर कैसे काबू पाया गया? ये दमकल कर्मी सुनिए, ब्रिगेड फायर 1.5 घंटा के बाद आया है, पूरे बस्ती वाले गांव छोड़ के भाग गए, ठीक है? क्यों? ट्रांसफार्मर लोड है, सबको दहशत हो गया कि साला ये फटेगा तो पूरे गांव बर्बाद हो जाएगा। लोग अपने घर से सिलेंडर निकाल के भेज दिए, मोटरसाइकिल जिसके पास था वो लगा दिया जाके बाद में। इस वजह से लोग भाग गए। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड आया, उसके बाद आग पर चार गाड़ी आया, एक गाड़ी नहीं चार गाड़ी आया। हाँ, प्रशासन आया, गाड़ी आया, कुछ ग्रामीण का हेल्प हुआ, कुछ प्रशासन का हेल्प हुआ। मतलब घटना जो हुई है वो एक बाइक वाले के कारण हुई है, यही बस।